हमारे जन्म की कथा है कि हम कैसे धरती पर आते हैं। भगवान ने चार प्रकार के देह बनाए हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। ये चार प्रकार के देह हैं। स्वेदज होते हैं जो जीवाणु बनते हैं शरीर की दुर्गंध से, पसीने इत्यादि से, जैसे जू इत्यादि, ये जो माने जाते हैं ये स्वेदज जीवों में माने जाते हैं। इनका कोई प्रकट होने के लिए उनको किसी के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं। स्वेदज। एक होते हैं अंडज, अंडा फोड़ करके जो प्रकट होते हैं, पक्षियों के बच्चे, पशुओं के बच्चे, उनको अंडज कहते हैं। उद्भिज, जो बीज को फोड़ के प्रकट होते हैं, वृक्ष आदि, बीज से पैदा होने वाले जीव, उनको उद्भिज कहा जाता है। और चौथे हैं जरायुज, जिनका जन्म गर्भाशय से होता है, जो गर्भ में आकर के जन्म लेते हैं, यानी हम लोग, जरायुज। चार प्रकार के देह बन गए। अब आई माया देवी, योग माया। माया देती है जीव को मन। अब मन को जो देह भाई, वो उस देह में प्रवेश करता है। माया मनः सृजनी, माया मन का सृजन करती है। मन से फिर महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार, सात्विक से मन हुआ, और फिर इन तीनों गुणों को मिला करके, 28 तत्वों को मिला करके ये शरीर बना। शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। 5 तत्वों से ये शरीर को ब्रह्मा जी ने बनाया है, और मरणोपरांत ये शरीर के पांचों की पांचों तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आकाश में आकाश, जल में जल, वायु में वायु, तेज में तेज। तो इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और इस शरीर के भीतर एक आत्मा है जो भगवान के द्वारा दी गई है। सात्विक से मन बना, तामसिक से 5 तृण मात्राएं और 5 महाभूत बने, राजसिक से 10 इंद्रियां बनी, ये हुए 29 तत्व। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 महाभूत हुए। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नाक, ये 5 तृण मात्रा हुई। तो इन सब का मिलन हो करके एक शरीर बना। इस शरीर को बनाने का कार्य किसको सौंपा? सृष्टि कौन बनाता है? सृष्टि के सृजन करता कौन है, बताइए ना? सृष्टि के सृजन करता है ब्रह्मा, पालन करता लगता। नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं आपके, आवाज नहीं निकल रही तो बोलिए ना जोर से। पालन करता भगवान विष्णु, और संहार करता महादेव। तीनों के अलग अलग कार्य सौंप दिए गए हैं, पर इन तीनों के मूल में हैं भगवान नारायण। नारायण की नाभि के कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो मतलब सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी, पर उनको भी बनाने वाले हैं भगवान। तो भागवत में लिखा है, जब भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि का सृजन करो, तो बेचारे ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि सृष्टि कैसे करें। तो भगवान ने कहा तप करो, तपस्या करो, तपस्या से अपने भीतर बल लाओ, और तब तुम सृष्टि का निर्माण करना। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और फिर सृष्टि का निर्माण किया। भगवान के विराट रूप का वर्णन आया, भगवान ने विराट रूप के द्वारा संसार के इस कण कण में अपने आप को समा लिया है। कहते हैं कि भगवान को देखना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो इस सारे जगत में सब जगह व्याप्त है, पशुओं में, पक्षियों में, जीवों में, सब में समाये हुए हैं। तो भगवान पूरी सृष्टि में व्याप्त हो गए, अलग अलग रूप बना लिए। सामर्थ्य उनमें इतना है कि एक से अनेक बन सकते हैं, अनेक से एक बन सकते हैं, इसलिए भगवान ने एक से अनेक रूप धारण, अनगिनत रूप धारण कर लिए।
हम जितने लोग धरती पर रहते हैं ना, इससे कई गुना ज्यादा लोग रहते हैं जल में, जल जीव। वो सब भी कौन है? वो सब भी भगवान के अंश से ही प्रकट हुए, भगवान नहीं है। जैसे अब देखो ज्ञान मार्ग में तो ये कहते हैं कि जीव भगवान से प्रकट हुआ इसलिए भगवान ही है, पर अब देखो हम कोई तीर्थ में जाते हैं, हम हरिद्वार गए, बनारस गए, वहाँ से हमने एक बोतल में गंगा जल भरा, भर के घर ले आए, हम ये थोड़ी कहेंगे हम गंगा जी ले आए हैं अपने घर। ऐसे बोलता कोई कि लो जी हम बोतल में गंगा जी ले आए? क्या बोलते हैं? गंगा जल लाए है तो वो गंगा जी का हिस्सा, पर गंगा नहीं है। हाँ, जब वो उसमें जाके मिल जाएगी, वो जल जाके उसी में वापस डाल दिया जाएगा, तब वो गंगा बनेगी, तब तक वो गंगा जल है। तो जीव भगवान से ही बना है, पर अभी जीव है, ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है। जिस दिन जाकर के भगवत चरणों में लीन हो जाएगा, उन्हीं में जाके मिल जाएगा। एक और उदाहरण दिया, कुम्हार मिट्टी लेता है, उससे घड़ा बनाता है, बड़ा सुंदर घड़ा बन गया। अब वो है तो घड़ा, है तो मिट्टी, लेकिन क्या कहेंगे, क्या नाम है इसका? घड़ा। घड़ा कुछ दिन तक चला और कुछ दिन बाद जब टूट गया, फूट गया, तो फिर वापस क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? फिर से मिट्टी बन जाएगा। तो वहां से निकला, फिर वहीं जाके मिल गया। तो संसार भी यही है, उसको शास्त्रीय भाषा में घटाकाश पटाकाश की भाषा कहते हैं, कि उन्हीं से बना, उन्हीं में जाकर के मिल गया। ऐसे भगवान सृष्टि के सृजन करता है, पालन। दुनिया चलाने वाले भी कौन है? कौन चला रहा दुनिया? हम चला रहे? सोचते तो हम यही है कि हम चला रहे। एक पंक्ति में कहते हैं कि आदमी सोचता मैं दुनिया चला रहा हूं, मानव कहे कि मैं बड़ा। मनुष्य कहता है जब भी कोई बात चलेगी ना दुनिया में सबसे बड़ा कौन, तो सबसे पहले मनुष्य बोलेगा मैं। तो मानव कहे कि मैं बड़ा, तो फिर तू इस धरती पर क्यों खड़ा? अगर तू इतना ही बड़ा है तो धरती का सहारा लेके क्यों खड़ा? अपने बल पे खड़ा हो जाना। हो सकता खड़ा नहीं तो धरती माता, अब धरती माता को भी थोड़ा गुमान हो गया, हाँ देखो हम पे, हमारे भार पे सब टिका है। धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग के फन पर क्यों खड़ी? अब शेष कहे कि मैं बड़ा, तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा? कैलाश कहे कि मैं बड़ा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण उठा के ले गया था कैलाश को। अब रावण कहे कि मैं बड़ा, रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों पड़ा? बोलो। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के बगल में क्यों पड़ा? अब बाली कहे कि मैं बड़ा, अब बाली बोला कि मैं बड़ा। हमारे तबले वाले भैया का नाम बाली है, इसलिए वहां इशारा हो रहा है। अब बाली कहे कि मैं बड़ा, तो श्री रामचंद्र के चरणों में क्यों पड़ा? और श्री रामचंद्र कहे कि मैं बड़ा, राम जी भी कभी कभी हो गया, बोल दिया। राम जी बोले अब देखो भैया, अंत में निकला यही परिणाम, सबसे बड़ा राम का नाम, तो अब हो गया फाइनल कि हम सबसे बड़े। भक्त बोले रुको रुको, ठहरो ठहरो, अभी आगे सुन लो। राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा? अगर इतने ही बड़े हो, भक्तों के पीछे पीछे काय को भागे घूमते हो? और भक्त कभी कहेगा नहीं मैं बड़ा, और अगर कह भी दिया, भक्त कहे कि मैं बड़ा, तो फिर हरि नाम के पीछे क्यों पड़ा? भक्त के पास तो एक ही चीज बची ना, हरि का नाम।
तो इसलिए अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, सबसे बड़ा कौन, भगवान का नाम। क्योंकि वो नाम कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, वो नाम तो बस कल्याण करता है सबका। तो ये अभिमान नहीं पालना कि संसार हम चला रहे, दुनिया चलाने वाले भगवान हैं। और संहार करता भी कौन है, मिटाने वाले भी कौन है, मिटाने के लिए भी भगवान को कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पलक झपकते ही सृष्टि संहार, सृष्टि खत्म और पलक खुलते ही नई सृष्टि का निर्माण। संकल्प मात्र से ठाकुर जी इतनी बड़ी दुनिया बना देते हैं। सोचो हमको एक घर बनाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये लाओ वो लाओ ऐसा करो वैसा करो। एक कोई भी संसार की कोई वस्तु बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं। भगवान देखो आंख बंद मूंदी संसार विनाश, आंख खोली नया ब्रह्मांड बन गया। और हमको लगता है हम यही वाले जो ब्रह्मांड में रहते यही हमारी दुनिया है, यही सब कुछ, ऐसे करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है। पद्म पुराण में कथा आती है, एक बार ब्रह्मा जी को गुमान हो गया, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा ब्रह्मा आंख बंद कर, ब्रह्मा जी ने आंख बंद करी, अब आंख खोल, आंख खोली तो ब्रह्मा जी ने देखा उनके चारों ओर ब्रह्मा ही ब्रह्मा खड़े हैं। ये तो चार मुंह वाले, वहां हजार हजार मुंह वाले ब्रह्मा जी खड़े थे, ब्रह्मा जी गिन ना सके इतने मुख वाले ब्रह्मा खड़े थे। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये मत समझना कि हम चार मुख वाले ब्रह्मा हम ही, हमारी ब्रह्मांड हमारे, ऐसे तो कितने ब्रह्मांड श्री ठाकुर जी ने बनाए, ऐसे कितने ब्रह्मांड। और ये भी शास्त्रों में लिखा, ये भी नहीं पता, हो सकता है हमारे वाले ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, किसी और ब्रह्मांड में अभी सतयुग चल रहा हो, किसी और ब्रह्मांड में त्रेता चल रहा हो, राम जी लीला कर रहे हो, किसी में द्वापर चल रहा हो भगवान कृष्ण। इसलिए तो कहते भगवान की लीला हमेशा चलती रहती, क्यों, किसी ना किसी ब्रह्मांड में चल रही होगी। तो भैया भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, कोई इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ जो भगवान की लीला को समझ पाए। वेदों ने भी भगवान को समझते अंत में हाथ उठा के नेति नेति कह के कह दिया हम हार गए, हमारे बस में नहीं है आपकी इस लीला को समझना। इसलिए भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान दिल का विषय है, भगवान दिमाग का विषय नहीं है, भगवान हृदय का विषय है। बुद्धि में कभी जैसे एक प्याले में एक बर्तन में कभी सागर समा नहीं सकता, वैसे छोटी सी बुद्धि में भगवान कभी समा नहीं सकते। जिसने भी भगवान को समझा है आज तक समझा, तो केवल अपने हृदय के प्रेम से समझा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। भैया खुले खुले में गोस्वामी जी कहते हैं जान लो, अगर तुमको जानना हो भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, उसी से पाए जा सकते। ज्ञान से पाएंगे तो बहुत दूर नजर आएगा, और प्रेम से पाएंगे तो एकदम नजदीक नजर आएगा, एकदम पास नजर आएगा। ब्रज में अलग क्या था, ब्रज में अलग बस इतना ही था, उन लोगों ने भगवान को समझने के लिए बुद्धि नहीं लगाई, दिल लगाया, प्यार से समझा, प्रेम से समझा। इसलिए भगवान ने वहां सब बुद्धि के नियमों को खत्म कर दिया। बुद्धि ये कहती है कि चोरी करना चाहिए, नहीं, लेकिन भगवान ने वहां इस नियम को तोड़ दिया। जितने सहज भगवान बन सकते थे उतने सहज भगवान बन गए।